हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट वन है हिंदी का। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं टोटल। आपको अपना स्कोर कमेंट में लिख के बताना है, 20 आउट ऑफ कितना आपका आया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी चैनल को बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पर आपको बताना कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तिमिर, ध्वांत, तिमिस्त्र, निलय। तो आप सभी को पता होगा ये जो निलय है ये आपका घर गृह का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, निलय। बाकी ये तीनों आपके अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द की वीडियो आप सभी के चैनल मतलब इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप सभी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा है। अर्कसुता, रवितन्या, कलंदी, ये आपको बताया था मैंने। ये तीनों ही आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द है। अब कौन सा नहीं है वो देख लेते हैं। चंचरी, दुहिता, कलंदी शिति, रवितन्या, कलंदी, बसुमती। तो ये आपके जो है गलत है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा, अर्कसुता, रवितन्या, कलिंदी। ठीक है, ये सभी आपके यमुना के सही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण, ये ऊपर का जो मिटा हुआ है। अतिवृष्टि है ये, आदृश्य, आकर्षण का सही विलोम बताना है आपको। अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि। तो ये ऑप्शन कट गया, अना ये भी आपका कट गया, अनादिवृष्टि। इन दोनों में से कोई एक होगा। अदृश्य क्या क्या होता है, अदृश्य का क्या होगा सही आंसर, सादृश्य। ठीक है, समक्ष सामने होता है, बट यहाँ पर आपका जो राइट होगा ये ऑप्शन ए होगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अदृश्य का सदृश, आकर्षण का विकर्षण। अतिकर्षण कुछ होता नहीं है शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द होंगे जो टॉपिक आपके हो चुके हैं चैनल पर, उन्हीं से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पेड़ का, उत्तम, लता, इन तीनों का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः, इनका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो गुरु ये तो आपका पेड़ का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, विटप होता है, पादप होता है, वृक्ष होता है, यानी आपका ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन सी बी डी में से कोई एक है। उत्तम का क्या होगा, मुख्य, बल्लारी, प्रधान। तो बल्लारी आपका होता है लता का। ठीक है, ये लता का है इसलिए ये कट गया। मुख्य या प्रधान होगा, तो उत्तम का अर्थ क्या होता है, प्रधान। ठीक है, क्या होगा, उत्तम का होगा मुख्य, बहुत मुख्य है। ठीक है, ये ऑप्शन बी वाला जो लता का होगा बेल। ठीक है, लता का विरुद्ध नहीं होगा, विरुद्ध, इसलिए ये गलत है। प्रधान हम कह सकते हैं, उत्तम का मुख्य और प्रधान दोनों हो सकता है, लेकिन बट यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक है, क्यों राइट है पता चल गया आप सभी को, क्योंकि लता का विरुद्ध नहीं होगा और ये आपका वल्लारी जो है बीच में लिखा था, इसीलिए ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट है, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। आपको बताना कौन सा उपदेश दिए में मुहावरा यहाँ पर अच्छा सही बैठेगा। अचरा पसारना, सूती बार चलाना, साय से भागना, कल पढ़ना। तो यहाँ पर आपको पता होगा गलती जब होती तो पिताजी उपदेश देते, सूती बार चलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, सूती बार चलाना। नेक्स्ट है, विलोम शब्द को मिलाना है। स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म, जो आपको पहले अच्छे से आता है वो आलाप करिए। ठीक है, मौन का होगा सस्वर, विराट का होगा क्षुद्र, और स्नेहासिक
होगा स्नेहास्त्रिक। तो यहाँ पर वन का बी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मुहावरे को उनके सही अर्थों से मिलान करें। आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कंचन बरसना, कमल तोड़ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा आंसर, ये आपको बताना है। तो आंचल पसारना का अर्थ होता है लाभीला, बहुत अच्छा लिखना, मन की बात जान लेना। आंचल पसारना का अर्थ है आपका यहाँ पर प्रार्थना करना। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ क्या है, मन की बात जान लेना। तो टू का आपका बी हो जाएगा। कंचन बरसना, कंचन होता है मतलब पैसा टाइप, ठीक है, पैसा। तो कंचन बरसना मतलब बहुत लाभ ही लाभ होना, तो ऑप्शन थ्री का सी होगा। कमल तोड़ने का अर्थ है बहुत अच्छा लिखना, क्योंकि कमल जब तोड़ते हैं तो बहुत प्यार से आराम से तोड़ते हैं, मतलब बहुत अच्छा अच्छा लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। वन का ए, टू का बी, थ्री का सी एंड फोर का डी। ओके, नेक्स्ट। ब्रह्मा सेवक ग्रीष्म, सही पर्यायवाची शब्द आपको कौन सा है, ये आपको इसमें से बताना है। तो ब्रह्मा का होता है चतुरानन, चार आनन है। ठीक है, सेवक का देखो नौकर यहाँ है, विधि है गलत, प्रजापति गलत। ठीक है, सेवक का भृत्य होगा, ग्रीष्म का निदार। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी राइट है, ऑप्शन सी इज राइट। बाकी इसमें कोई भी इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट है, गणतंत्र का क्या होगा, परतंत्र, स्वतंत्र का, सॉरी, गणतंत्र का होगा आपका राजतंत्र। ठीक है, गण मतलब लोगों का और राज मतलब राज का शासन। स्वतंत्र का होगा परतंत्र। वैतनिक का अवैतनिक, दहन का शमन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वन का ए, टू का बी एंड थ्री का सी, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सारे सामने सामने मैच है। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। एका प्लस एक, ऋण, ऋ प्लस न, जगत प्लस ईश, तपो प्लस तपा प्लस वन। तो तपा प्लस वन से बनेगा शब्द तपोवन, इसलिए ये सही है। जगत प्लस इस व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है। ऋण ना है तो आपका ऋ के पास अड़ा बन जाएगा, ये ऋण शब्द बनेगा। ठीक है, ये गलत है। एक का एक नहीं होता, एक एक टूटता है तब शब्द बनता है आपका एकैक, वृद्धि संधि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका गलत है, यानी यही सही है। नेक्स्ट है, निर्जल में कौन सी संधि है। आपको बताना है निर्जल में संधि कौन सी है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी है अयादि संधि एंड ऑप्शन डी है आपकी व्यंजन संधि। तो आपको बताना है निर्जल में संधि कौन सी। निर्जल आपका टूटेगा तो ये टूटेगा आपका नी प्लस जल। आज मैंने पेन टैब नहीं लगाया इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, माउस से लिख नहीं रहा। ठीक है, नी प्लस जल, इससे अच्छा ना ही लिखूं मैं, बोल दूं। ठीक है, तो इसमें आपकी होगी विसर्ग संधि, नी प्लस जल, यानी ऑप्शन आपका राइट होगा बी। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प सभी शब्दों के उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, मतलब किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अपयश इसमें प्रत्यय नहीं है, अनुशासन इसमें सिर्फ उपसर्ग ही है, अनुनादित में भी आपका उपसर्ग है, प्रत्यय प्रत्यय भी है। ठीक है, नाद शब्द में इत प्रत्यय लगा, लाजवाब में आपका उपसर्ग है सिर्फ, इसमें उपसर्ग है, तो ये दोनों तो कट गए, अपयश भी कट गया आपका। अच्छा, पत्रकार, वाहवाही, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, क्वेश्चन था इसका,
उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ये आपसे पूछा है, उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी, पत्रकार और वाहवाही में, पत्र में कार प्रत्यय लगा है, वाह में वाही, क्योंकि इसमें जो आपने आंसर दिया यही दिया हुआ है, पत्रकार और वाहवाही शब्द दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास में आपको बताया था हैजो के समान आएगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है सत्सई, राजगृह, चतुर्भुज, श्याम सुंदर। तो यहाँ पर चतुर्भुज में तो आपको चौथा अर्थ आएगा नहीं विष्णु भगवान का, तो ये आपका बहुव्रीहि समास है। सात सत्सई पहला शब्द संख्यावाचक आ जाएगा तो आपका द्विगु समास होगा। राजगृह, राजगृह में आपका राजा का गृह यानी तत्पुरुष समास है, ठीक है। बचा आपका लास्ट ऑप्शन डी, श्याम सुंदर। तो श्याम है जो सुंदर, यानी श्याम जो है सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट होगा। विशेषण विशेष्य की बात हो रही है, विशेष्य है श्याम एंड विशेषण है सुंदर, ठीक है। कर्मधारय समास ऑप्शन डी। पुस्तकालय के लिए किस समास का उदाहरण है, मतलब इसमें समास आपको बताना है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में आपका समास होगा पुस्तक के लिए, आलय यानी पुस्तक के लिए, घर यानी तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। रसना, जिव्या, रज्जवान, ये दोनों आपके तीनों शब्द आपके रसना यानी जिव्या के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाप धनु चपला, निर्वाण केवल मुक्ति, यक्षराज, राजराज और आपका कौन सा बचा कुबेर। आपको बताना कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से। तो निर्वाण, केवल मुक्ति, ये तीनों आपके हैं, ये भी है, ठीक है। कुबेर, राजराज, यक्षराज, ये तीनों ही आपके किसके पर्यायवाची हैं, कुबेर के हैं, ठीक है। कुबेर, राजराज, यक्षराज, चाप धनु चपला, देखो चाप और चपला ये दोनों आपके आपस में क्या हैं, ये आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। चपला मतलब बिजली होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी और सारे ऑप्शन सही है, पर्यायवाची शब्द हैं और ये इसमें तीनों शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। चपला का पर्यायवाची क्या होता है, विद्युत, दामिनी, बिजली, ये सारे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। झाग से भरा हुआ फेनिल होता है, जो वचन से परे हो वचाल नहीं, जो बहुत बोलता है वो वचाल होता है, यानी यही ऑप्शन आपका बी राइट होगा। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख खुलने का अर्थ है ज्ञान होना, ठीक है, उसे ज्ञान हो गया, आँख खुलने का अर्थ है। नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल शब्द का जो आपका मुहावरा लुपोती है इसका अर्थ क्या होगा, राइट, ये आपको बताना है। मदद करके मदद की उम्मीद करना नहीं, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, उपकार करो और उपकार करके उसे भूल जाओ, ठीक है, उसे ही कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। नेक्स्ट, चिराग तिल, सॉरी, चिराग तले अंधेरा, ये मुहावरा ऐसा कुछ है, चिराग तले अंधेरा, मतलब चिराग की तरह आप मोमबत्ती कभी जलाते हैं ना तो उसके नीचे तो हमेशा अंधेरा रहता है, वो आसपास अपने चारों तरफ उजेला देता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है आपको बताना है, अपने आसपास की परवाह ना करना, जहां जरूरी हो वहां वही उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोष को ना देख पाना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट है, चिराग तले अंधेरे का अर्थ है निकट का दोष ना देख पाना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट है। किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या है,
तो किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है आपका किसी कार्य को समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। नहीं, किनारे लगने का अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट कंप्लीट हुए ये 20 क्वेश्चंस आपके। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।